गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, गर्मियों का मौसम आ गया है। तो आज हमने सोचा कि ना जीप को भी हम इसकी सफाई करते हैं और देखें स्टार्ट करके स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बंद पड़ी थी। ये देखिए रॉटवीलर कितनी ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे हैं। भोलू है ये हमारा दोस्तों। अब देखते हैं जिप्सी के क्या हाल हैं, सॉरी जीप के। जिप्सी तो अभी ठीक कराने के लिए दी हुई है, और कल से देखते हैं तो साइकिलिंग भी स्टार्ट करते हैं। इनके पाइप की नोजल भी लानी थी, पंप की हवा नहीं है इनमें भी, काफ़ी टाइम से अभी बंदी पड़ी है। ये देखिए जीप को, ये 6 महीनों में ही इसको पूरा स्टोर रूम बना दिया है। हाँ, एक काम करते हैं, सारे सामान को यहाँ ऊपर स्लिप में डाल देते हैं, फिर देखते हैं स्टार्ट होती है नहीं होती है। आई थिंक वैसे हो जानी चाहिए स्टार्ट। आप लोग अपना मतलब सजेस्ट कीजिए कि इसमें टायर कौन से लगाने चाहिए और मॉडिफिकेशन में हमें इसमें क्या क्या करने चाहिए। यहाँ तो हेलोजन लाइट है 4x4 की। मेरे हिसाब से तो इसमें पतले टायर लगवा लेते हैं, शीशा बदलवा के शीशा पाइप वाला लगवा लेते हैं। शीशा तो पाइप वाला ही वैसे अच्छा लगता है ज्यादा। और धुलाई यही हो जाएगी इसकी, जो भी है आप लोग सजेस्ट कीजिए इसमें कलर क्या किया जाने चाहिए। अब इनको हम खाली करके देखते हैं क्या हाल है। यही तो है, पैदल भी ये देखिए तो पहले ही फाड़ दी थी इन्होंने। ये कुत्तों ने पूरे यहाँ की रेड मार के रखी हुई है, हालत खराब कर दी है पूरे। जो दिखता है वो काट देते हैं। ओ माय गॉड दोस्तों, ये देखो, हमें तो लगा था स्टार्ट हो जाएगी, अब तो कोई चांस ही नहीं है। ये देखिए सारे पाइप यहाँ से निकाल के, पाइप वायरिंग सब काट रखा है, निकाल के पूरी काट दी है इन लोगों ने। ये देखिए डीजल का पाइप भी काट रखा है। हाँ, ये सब नीचे डीजल ही गिरा होगा, इतना सारा ही सारा तेल गिरा हुआ है। आप धक्का लगा के ले जाना पड़ेगा इसको, कोई छोटा हाथी वगैरह बुला के। चलो कोई नहीं, फिलहाल सफाई कर देते हैं इसकी। हाँ, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने बॉन्साई रखी हुई है, एक देख सकते हैं आप, काफी अच्छी है, ये हमने खुद बनाई थी। साथ ही कुछ प्लांट्स यहाँ पे हैं और कुछ कटिंग हमने यहाँ ऊपर भी लगाई हुई है, ऊपर रखी हुई है कुत्तों से बचाने के लिए, क्योंकि कुत्ते यहाँ सभी कुछ काट देते हैं। बहुत ही इनने सभी चीजें काट के ऐसा कर दिया है, क्या बताऊँ दोस्तों। दोस्तों फाइनली ये लुक है हमारी जीप का, आप देख सकते हैं कितनी अल्टीमेट, कितनी प्यारी लग रही है धोने के बाद। ये हमारी कार और जीप दोनों एक साथ खड़े हुए हैं अभी, ये देखिए काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये रही हमारी जिप्सी जीप और कार, तीनों की तीनों एक साथ हमने खड़ी की है। जिप्सी को आज हम फिलहाल सही करवाने से मॉडिफाई करवाने के लिए देने के लिए जा रहे हैं, और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।